हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग CBSE क्लास 10th के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसका कोड होता है 184। देखेंगे इसका किस प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इसमें टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं और कुल मार्क्स होते हैं 80। उसके आगे क्या देख रहे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो सेक्शन ए अगर देखिए तो इसमें है, सेक्शन ए में रीडिंग होता है 20 मार्क्स, और सेक्शन बी होता है राइटिंग एंड ग्रामर मार्क्स। तो ग्रामर तो इसके लिए 30 मार्क्स का हो जाता है। सेक्शन सी होता है लिटरेचर, जो कि होता है 30 मार्क्स का। दूसरा इंस्ट्रक्शन है आपका कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तीसरा नंबर है कि यू मे अटेम्प्ट एनी सेक्शन एट ए टाइम, आप किसी भी एक सेक्शन को एक बार में अटेम्प्ट कर सकते हैं। चौथा क्या कहता है कि ऑल क्वेश्चन ऑफ द पार्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कहने का मतलब हो गया कि आप अगर सेक्शन ए लेते हैं तो इसके दोनों प्रश्न जो दिए गए हैं या तीनों प्रश्न जो भी हों सभी को एक साथ अटेम्प्ट करें। चलिए अब देखते हैं सेक्शन ए हमारा जो है कि रीडिंग सेक्शन। तो इसमें क्या है कि आपको एक पैसेज दिया गया है, तो पैसेज में उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा 1.1 में क्या कहता है कि अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज यू हैव रीड, यानी कि ऊपर हम लोग ने जो 6 तक पढ़ा है उससे इसमें से क्या करना है, 9 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर दे देना है। दूसरा क्या है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या है, पैसेज दिया गया है आपका 5 तक। उसके बाद इसमें 2.1 है जो कि 8 नंबर का है, तो इसमें क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 30 एंड 40 वर्ड्स। तो इसमें से 4 ठों का किसी का भी आंसर दे देना है जो कि ऊपर हमने पढ़ा है। उसके बाद 2.2 देखिए, तो इसमें क्या करना है, फिल करना है। तो इसके लिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो कि ऊपर आप पैसेज पढ़िएगा तो उसमें से मिल जाएगा। तो इसमें से भी 4 का ही आंसर करना है, इसके लिए 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब सेक्शन भी देखें तो ये है राइटिंग एंड ग्रामर। तो इसमें क्या है कि कुछ दिया गया है आपको, और उसके बाद नीचे फोटोग्राफ्स है, और यहाँ पे बी में क्या है कि फिर इसी तरह से क्या कहता है, इट वाज एन अमेजिंग डे फुल ऑफ फन एंड फ्रॉक, वी विल स्टूड आउट अगेस्ट टू सी द स्ट्रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ओवर आवर हेड्स, वी स्टार्टेड गेसिंग राइट इन टू 150 से 200 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो 4 नंबर का होगा, तो ये क्या है कि फिल इन द 4 ऑफ द ब्लैंक्स क्लोजिंग मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द 1 गिवन इन द बॉक्स, राइट आंसर इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। तो इसमें क्या करना है, यहाँ से चुन लेना है। यहाँ पे 1 के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, देख लेंगे। इसी तरह से वहाँ भी प्रश्न रहेगा। उसके बाद 6 नंबर देखिए तो ये क्या कहता है, इन द फॉलोइंग पैसेज 1 वर्ड हैज़ नॉट बीन एडिटेड, इच लाइन राइट टू करेक्ट, राइट इनकरेक्ट वर्ड अलॉन्ग विद द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे इसी तरह से क्या करना है, क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रीजन ऑफ, तो इसमें से जो भी गलत होगा उसको यहाँ पे करेक्ट कर देना है। उसी तरह से 7 नंबर में क्या है कि रीअरेंज एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू फ्रेश टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो 5 में से 4 का आंसर दे देना है। सेक्शन सी आपका आ गया लिटरेचर, तो इसमें से क्या है कि रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो द आंसर ऑफ एंड द क्वेश्चन दैट फॉलो, क्या है कि ए मून वाज कमिंग, इसमें से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है और उसके बाद इसका 4ों का आंसर दे देना है, या अथवा करके भी आपको दिया गया है तो इसमें भी 4ों का आंसर दे देना है। 9वां नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कहता है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड, तो या 30 से 40 वर्ड में 5 में से 4 का आंसर दे देना है। और 10वां नंबर क्या है, अटेम्प्ट एनी 1 out of 2 long answer type question इन 100 to 120 वर्ड्स, तो इसमें से किसी भी एक का आंसर दे देना है 100 से 120 वर्ड में। 11वां नंबर क्या कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 200 to 250 वर्ड्स, तो यहाँ पे ए और बी दिया गया है, किट्टी प्लेज वाइटल रोल टू एनीज लाइफ इल्यूसिडेट। उसी तरह से यहाँ और में दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 200 to 250। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आपका रहेगा वहाँ पे, घबराना नहीं है, अच्छे से लिखना है और अच्छे मार्क्स लाना है। चलिए ठीक है, थैंक यू।